अच्छा मैंने ये सोच लिया है कि हम उन किराएदारों को यहाँ से निकाल देंगे। जाओ उनसे कहो कि फौरन ये घर खाली कर दें। फायजा, उनसे मैं घर खाली करने को कहूंगा, वो एडवांस भी वापस मांगेंगे। हाँ तो एडवांस की रकम उनके मुंह पे मारो। थानेदार से मिलेगी तो मुंह पे मारूंगा ना। ओ माय गॉड, आमिर कोई हल सोचो, इन्हें हर हाल में यहाँ से निकालना है। एक तरीका हो सकता है। वो क्या? फायदा, इनको इतना तंग किया जाए, इतना तंग किया जाए कि ये खुद ही भाग जाए। क्राइनामे में लिखा हुआ है कि अगर ये अपनी मर्जी से जाएंगे तो इनका एडवांस भी जब्त हो जाएगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम करेंगे क्या? 101 तरीका है मेरे पास, तुम अपना कान इधर लाओ। ये लो कान लाओ। ओहो, और लाओ। कौन है? कौन है? क्या बात, नींद नहीं आ रही? नहीं यार, कोशिश तो कर रहा हूं। वैसे सही कह रहे हो, मैं भी आज बहुत थक गई। लगता है तुमने कुछ एक्सरसाइज ज्यादा ही कर ली है। एक्सरसाइज से याद आया, मैंने ना आज सुबह एक्सरसाइज करते हुए मालिक मकान की आंख फोड़ दी। क्या? हाँ, मैंने एक्सरसाइज कर रही थी, मैंने पंच मारा, वो सामने आ गया और उसकी आंख टन। वेरी गुड, बड़ा इनको शौक है। ये रात के इस पर इतनी ऊंची आवाज में डक कैसे लगा? इन्हीं दोनों ने लगाया होगा। और किसने लगाया? जी वो गरीब शौक है दोनों के, बड़ी वो है। नो प्रॉब्लम, इनके शौक तो मैं देख लेता हूं। ये क्या बदतमीजी है, रात के इस पहर में इतनी ऊंची आवाज में डेक लगाने का कुछ तुक है? ये हमारा घर है, हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें। तुम कौन होते हो पूछने वाले? अच्छा ये बात है। देखो ये हमारा घर है और डरने की जरूरत नहीं है, अब पीछे क्यों हट रही हो? मेरे पीछे तुम हट रहे हो है? अच्छा हाँ। मैं हटाऊ तो मुझे रोको, पीछे हाथ रखो। अब अगर तुमने कोई हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दूंगा। अम्मी जी क्या हो गया? यार तुम तो बहुत कमाल के बंदे। मैं फायजा का बंदा हूं। रात को इतनी ऊंची आवाज, आवाज जरा और खोलो, और ऊंची आवाज, और ऊंची आवाज। आमिर तुम नहीं जानते ये म्यूजिक हमारी कमजोरी है, जब म्यूजिक लगता है तो हमारे जिस्म थरथराना शुरू कर देते हैं, तुम यकीन करो हमें पता नहीं क्या हो जाता है। और ऊंची आवाज, और ऊंची, और ऊंची। आमिर, आमिर क्या हुआ है? और
हंगामा मचाया है उन्होंने यहाँ पे। फायदा, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मैं बहरा हो गया भाई साहब, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मुझे आवाज नहीं आ रही। अब आ रही आवाज। शुक्र है भाई साहब, वो चले गए। हाँ, कब के? पूरे 2 घंटे तक ऊंची आवाज में गाने सुनते रहे, और तुम कब से कानों में रुई डाल के सो रहे हो? आमिर कुछ करो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। फायजा, अब के मैं इनका वो हशर करूंगा ना, फुटपाथ पे रहना गवारा कर लेंगे, इस घर में नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। सोच लो, ये ना हो कि कहीं लेने के देने पड़ जाए। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? फायजा, मुझे शक है तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। ओ माय डियर, तुम्हें शक नहीं, तुम्हें यकीन होना चाहिए। हाँ, यकीन है? ओहो छोड़ो ना, अब ये बताओ कि तुमने सोचा क्या? मैं उनकी गैस बंद कर दूंगा। क्या? सोई गैस बंद करूंगा, खाना नहीं बना सकेंगे, नाश्ता नहीं कर सकेंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे तो फौरन भाग जाएंगे। वेरी गुड, लेकिन अगर वो लोग फिर भी ना गए तो? यही गैस मैं उनके कमरे में भर दूंगा और मैं उन्हें मार दूंगा। यानी तुम उन्हें कत्ल कर दोगे? हाँ, क्योंकि मैं कातिल हूँ, मैं उन्हें कत्ल कर दूंगा। हाँ आमिर, अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया ना तो तुम्हें फांसी भी हो जाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम वाकई जा रहे हो?